नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर पार्वती नदी को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें अचानक से पार्वती नदी बेकाबू हो गई है। बेकाबू होने के कारण पार्वती नदी में दोस्तों भयंकर भीषण उफान आ गया है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया है। इस मानसून सत्र में राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए सेतु का काम करने वाली पार्वती नदी की पुलिया पर 10वीं बार उफान देखने को मिला है। खातोली की पार्वती नदी में उफान आने से दोनों राज्यों के बीच नदी की पुलिया से आवागमन दोस्तों पूरी तरह से बंद हो गया है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातोली के पास से निकल रही पार्वती नदी में दोस्तों पिछले 24 घंटों में एक बार फिर उफान आ गया। नदी में पानी आने के साथ ही पुलिया पर पानी की चादर चलने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क भी कट गया है। इससे स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, यानी कि जो नेशनल हाईवे 70 है वो भी अवरुद्ध हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर इस नदी पर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते राजस्थान के खातोली के पास से निकल रही पार्वती नदी में उफान आ गया है। नदी की पुलिया पर लगभग 1.5 फुट पानी की चादर चल रही है। लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। वहीं नदी की पुलिया पर पानी आने के साथ ही किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। खातोली पुलिस थाने का जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है। दोस्तों हर पल की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।